please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नेपाल में प्लेन क्रैश मामले में ऑडियो टेप सामने आया जिसमें पायलट की गलती हादसे की वजह बताई गई। अल जजीरा न्यूज के मुताबिक एयरपोर्ट के जनरल मैनेजर राजकुमार छेत्री ने बताया कि कंट्रोल टावर के निर्देशों के बावजूद गलत दिशा से लैंड करने के कारण यह हादसा हुआ। यूएस बांग्ला एयरलाइंस के सीईओ ने यूट्यूब पर अपलोडेड ऑडियो क्लिप के आधार पर कहा कि उन्हें शक है कि कंट्रोल टावर और पायलट के बीच में गलत फहमी की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हुई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान धू धू कर जलता दिखाई दिया। ये विमान रनवे पर उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो गया जिसकी वजह से उसमें सवार 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे के बाद 17 लोगों को बचाने का दावा किया गया। असल में यूएस बांग्ला एयरलाइंस का ये विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर पास के एक फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच गया। विमान के क्रैश होते ही उसमें भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने एक बयान में विमान में 71 लोगों के सवार होने की जानकारी दी, जिनमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। আমরা এর বেশি ডিটেইলসটা এই মুহূর্তে জানি না, আমরা শুধু এই অ্যাক্সিডেন্টটা কনফার্ম করতে পেরেছি। विमान हादसे के फौरन बाद वहां पहुंचे रेस्क्यू टीम के जवानों ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग की वजह से विमान का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका था। विमान क्रैश होने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिलहाल हादसे की वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राजस्थान के सिरोही में एक झोपड़ी आग की लपटों में जलती दिखाई दी। खबर है कि आग से झोपड़ी में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिससे लोगों में दहशत फैल गई और इसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आग लगने के बाद झोपड़ी में रहने वाले लोग बाहर निकल आए। इस दौरान एक महिला अपने सिर पर पानी का घड़ा रखकर झोपड़ी की तरफ बढ़ती दिखाई दी, लेकिन हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मारपीट कांड में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को राहत मिल गई। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शिकार और पेड़ काटने समेत दूसरे अपराधों को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन ने 46 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और दूसरी सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लोगों ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत घर गिराने के मामले में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी की तरफ से विपक्षी दलों के लिए मंगलवार को आयोजित डिनर पार्टी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मार्च को मणिपुर के इम्फाल में मैरीकॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए एक कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। बिल्किस बानो रेप केस में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने कुछ बच्चों की हत्या और रेप के आरोप में एक साइको किलर को गिरफ्तार किया। बिहार के पटना में पुलिस ने एक कार में छापेमारी कर 10 लाख की शराब बरामद की। बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें टीम इंडिया में वापसी करने वाले सुरेश रैना होटल में कुछ कलाकारों के साथ एक गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के खिलाफ डेविस कप के लिए अगले महीने होने वाले मुकाबले को लेकर टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस की टीम में वापसी हुई। यूएई में खेली जा रही पीएसएल के एक मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने एक युवा बल्लेबाज को आउट करने के बाद आक्रामक प्रतिक्रिया देने के मामले में खुद ट्वीट कर माफी मांग ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया कि वेस्टइंडीज की टीम अगले महीने कराची में एक T20 सीरीज खेलेगी। न्यूज 18 नेटवर्क 16 और 17 मार्च को न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट का पहला एडिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसमें देश के सबसे बड़े चेहरे एक साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट के सबसे चर्चित नाम और कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ रूबरू होंगे। सामूहिक शक्ति के द्वारा हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, न्यू इंडिया जहां भी हर किसी को समान अवसर उपलब्ध हो। जानिए भारत की उड़ान भरने से लेकर आसमान छूने तक की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट में 16 से 17 मार्च नई दिल्ली।
राजस्थान के जयपुर में कुछ पुलिस वाले थाने के अंदर कुछ लड़कों को पकड़ कर खड़े दिखे। इन लोगों पर राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन नकल करवाने का आरोप है, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ने शहर के मालवीय नगर इलाके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार ने एप्टेक नाम की एक कंपनी को ठेका दिया था। पुलिस का दावा है कि एप्टेक कंपनी ने परीक्षा का आयोजन खुद करवाने की बजाय दूसरे संस्थानों को इसकी जिम्मेदारी दे दी, जिसमें सरस्वती इन्फोटेक इंस्टीट्यूट भी शामिल था। पुलिस का दावा है कि सरस्वती इन्फोटेक के मालिक ने परीक्षा के दौरान कंप्यूटर हैक कर नकल करवाने की साजिश रची। इसके लिए परीक्षा के दौरान सेंटर के पास होटल में मौजूद एक्सपर्ट प्रश्न पत्र हल कर देते थे, जबकि सेंटर में मौजूद उम्मीदवार पेपर लिखने का नाटक करता था। 12 कैंडिडेट के साथ इन लोगों ने किया, उनको अभी करीब 6 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें इसका मालिक भी है। तकनीक के जरिए नकल करने के आरोपी उम्मीदवारों को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कोलकाता में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी के परिवार के कुछ लोग कैमरे से बचते नजर आए। ये लोग शमी और हसीन जहान के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए वकील के पास पहुंचे, लेकिन बातचीत बीच में रोककर ही शमी का परिवार हसीन जहान के वकील के चेंबर से बाहर निकल गया। इसके बाद हसीन जहान के वकील ने दावा किया कि शमी के परिवार वालों से सुलह की कोशिश हुई। जहां से वो लोग आए थे, इंट्रोडक्शन भी ठीक से हुआ नहीं, बात कुछ हुआ नहीं। जानकारी के मुताबिक शमी के परिवार के कुछ लोग हसीन जहां के वकील से मिलने पहुंचे। वकील और शमी के परिवार वालों के बीच सुलह पर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन खबर है कि बातचीत अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। उसके बाद शमी की पत्नी हसीन जहां वकील से मिलने पहुंची। हालांकि शमी ने भरोसा जताया कि सुलह की उनकी कोशिश रंग लाएगी। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान शमी ने विवाद पर अफसोस जाहिर किया और समझौते के जरिए हल निकालने की बात कही। लगे हाथ शमी ने यह भी दावा किया कि उनके परिवार वाले जल्द अच्छी खबर देंगे। शमी को भरोसा है कि वो हसीन जहां के साथ एक बार फिर अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आएंगे, लेकिन पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बीच शमी के करियर पर खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने BCCI को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें शमी से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी गईं। सूत्रों के मुताबिक BCCI से पूछा गया कि क्या मोहम्मद शमी दक्षिण अफ्रीका से सीधे भारत लौटे थे या फिर वो लौटते वक्त दुबई में रुके थे। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि शमी की पत्नी हसीन ने इल्जाम लगाया था कि दुबई में शमी एक लड़की से मिले थे, जिससे उनके नाजायज संबंध हैं। सूत्रों के मुताबिक शमी का ये मामला कानूनी पेज से बाहर निकला तो उनका परिवार दांव पर लग सकता है उनका करियर दांव पर लग सकता है और वो IPL से भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई के बाद BCCI भी शमी का मामला नजरअंदाज नहीं कर सकती। माना जा रहा है कि हसीन जहां से अगर सुलह नहीं हुई तो शमी पर BCCI को कार्रवाई करनी पड़ेगी। नियम के तहत शमी पर खेल को बदनाम करने का आरोप लग सकता है, जो BCCI के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसी वजह से शमी का IPL से करार खत्म भी हो सकता है। हालांकि BCCI ने इस मुद्दे पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।